अभी हमने जो तीसरा हमारा तीसरा चैप्टर था जिसमें हमने जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनका जीवन चक्र के बारे में बात की थी। अभी नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है प्राणी जगत, ये हमारा चौथा चैप्टर है। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले वर्गीकरण के आधार की। देखिए जो वर्गीकरण का आधार है उसमें क्या बताएंगे आपको, जो प्राणियों की जो संरचना है उनकी जो आकृति होती है उसमें विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। जो प्राणी होते हैं वो अलग अलग आकार के अलग अलग माप के हो सकते हैं लेकिन उनमें कुछ समानताएं पाई जाती है, जैसे उनकी प्रगुहा में समानता, उनकी कोशिका संरचना में समानता, उनके पाचन तंत्र में समानता, उनके उत्सर्जन तंत्र में समानता और उनके जो परिसंचरण तंत्र है उसमें समानता। तो इस प्रकार की जो कुछ समानताएं होते जो है वह क्या है, वर्गीकरण का मुख्य आधार है। वैसे तो आकृति में माप में भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन जो इस प्रकार के जो परिसंचरण तंत्र बने बताया आपको या उनका जो जो उत्सर्जन तंत्र है, प्रगुहा है, इस प्रकार की जिनमें कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। जो समानताएं होती हैं ये क्या होते हैं, वर्गीकरण का मुख्य आधार होता है। तो जो परिसंचरण तंत्र है वो परिसंचरण तंत्र जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र वो कैसा होता है, देखिए जब रक्त जिन प्राणियों में रक्त जो है हृदय सीधे असममित पात्र में भेजा जाता है, यानी कि जो रक्त है वो हृदय से सीधे कहाँ भेजा जाता है, असममित पात्र में, यानी कि उसमें धमनी श्राव वगैरह नहीं होती, तो सीधा शरीर में खुला भेजा जाता है। और जो हमारे ऊतक है, जो कोशिकाएं हैं, उन्हीं जो असममित पात्र होते हैं उन असममित पात्रों में डूबे रहते हैं। तो इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसे बोलते हैं क्या, खुला परिसंचरण तंत्र। उसके बाद बंद परिसंचरण तंत्र, जब रक्त जो है हृदय से सीधे शरीर के विभिन्न भागों में, यानी कि जो रक्त है वो हमारे हृदय से सीधे हमारे शरीर के विभिन्न भागों में और जो विभिन्न व्यास वाली वाहिकाएं हैं, ये धमनी है, शिराएं हैं, केशिकाएं हैं, उनमें भेजा जाता है तो उसे कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट है कि मनुष्य है, मनुष्य में क्या होता है, जो रक्त होता है वो धमनी, शिरा और केशिकाओं में प्रवाहित होता है। तो जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि जब रक्त जो है धमनी में, शिराओं में, केशिकाओं में क्या करता है, प्रवाह करता है, तो उसे कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। तो उसके बाद बात करते हैं द्विकोरिक संगठन क्या होता है और त्रिकोरिक संगठन क्या होता है, यानी कि जब वे प्राणी जिनकी कोशिकाएं दो भिन्न स्तरों में बटी हुई होती हैं, यानी कि वे प्राणी जिनकी कोशिकाएं दो भिन्न, जिनकी कोशिकाओं में दो भिन्न स्तर होते हैं, एक होता है कौन सा, एक्टोडर्म और एक होता है एंडोडर्म, यानी कि बाह्य स्तर और एक होता है भीतर स्तर या आंतरिक स्तर। जैसे पोरीफेरा के प्राणी है वो कैसे होते हैं, उनमें द्विकोरिक संगठन पाया जाता है। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि वे कोशिकाएं जिनमें दो भूने स्तरों में व्यवस्थित होती है, यानी कि दो भूने स्तरों में बटी हुई होती है, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म में, तो उन्हें कहते हैं क्या, द्विकोरिक संगठन। उसके बाद त्रिकोरिक संगठन, यानी कि वे प्राणी जिनमें विकसित भ्रूण में एक तीसरा स्तर मेसोडर्म भी होता है, यानी कि सामान्य तौर पर तो दो होते हैं भ्रूण स्तर, कौन सा, एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है एंडोडर्म, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक विकसित भ्रूण है उसमें एक तीसरा स्तर भी पाया जाता है, तीसरा भ्रूण स्तर भी पाया जाता है, वो जो तीसरा भ्रूण स्तर है उसे बोलते हैं मेसोडर्म। तो उसे कहते हैं, उन प्राणियों को कहते हैं कि वो प्राणी जो है त्रिकोरिक संगठन वाले हैं, जिनके अंदर क्या पाया जाता है, इन दो एक्टोडर्म एंडोडर्म जो भ्रूण स्तर है, इन दो भ्रूण स्तर के अलावा भी एक तीसरा जो भ्रूण स्तर होता है मेसोडर्म वो पाया जाता है, उन्हें कहते हैं त्रिकोरिक संगठन वाले प्राणी। और जिनके अंदर केवल दो ही भ्रूण स्तर वाला पाए जाते हैं, जिनकी कोशिकाएं जो है दो भ्रूण स्तरों में बटी हुई होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म में, उन प्राणियों को कहते हैं द्विकोरिक संगठन वाले प्राणी। अब बात करते हैं प्रगुहा, जो गुहा, देहगुहा कह लो, प्रगुहा कह लो, सिलोम कह लो, एक ही नाम है। तो जब प्राणी, जिन प्राणियों के शरीर भित्ति देखिए एक बार देखिए, यानी कि जो शरीर भित्ति तथा जो आनाल है उनके बीच में एक गुहा की जो उपस्थिति होती है या अनुपस्थिति होती है वही वर्गीकरण क्या होता है, मुख्य आधार होता है। यानी कि जो हमारा, जो हमारी शरीर भित्ति है और जो हमारी आहार नाल है, तो शरीर की जो हमारी शरीर भित्ति है और आहार नाल के बीच में जो गुहा पाई जा रही या नहीं पाई जा रही वही क्या है, वर्गीकरण का मुख्य आधार है कि प्रगुहा का पाया जाना या ना पाया जाना, उपस्थिति उसकी या अनुपस्थिति। तो इनके जो मध्य त्वचा और ये हमारी जो सीलोम होती है, प्रगुहा होती है, ये मध्य त्वचा से ढकी हुई होती है, आच्छादित होती है। तो जब ये मध्य त्वचा से ढकी हुई होगी तो इस शरीर की गुहा को हम क्या बोलते हैं, प्रगुहा, या क्या बोलते हैं, देहगुहा बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं पृष्ठजी, यानी कि नोटोकोड क्या होती है, देखिए जो नोटोकोड होती है, जो हमारी पृष्ठजी होती है वो मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है, जो हमारे मध्य त्वचा होती है, यानी जो मध्यस्थ मेसोडर्म है उससे क्या होती है, विकसित होती है। और जो भ्रूणीय परिवर्तन एवं विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है, कब बनती है, जब भ्रूणीय हमारा क्या होगा, भ्रूणीय परिवर्तन होगा, उसका विकास होगा भ्रूण का, तो तब ये कहाँ बनेगी, हमारी पृष्ठ सतह में बनती है, हमारी कहाँ बनती है, पृष्ठ सतह में बनती है।
तो पृष्ठरज्जु युक्त जो प्राणी होते हैं उन्हें कोर्डेट्स कहते हैं, और जो प्राणियों में पृष्ठरज्जु यानी कि जो नोटोकोर्ड है वो नहीं पाई जाती है उन्हें कहते हैं नॉन कोर्डेट्स। यानी कि जितने भी हमारे प्राणी हैं जो कोर्डेट्स हैं जिनके अंदर ये पाई जा रही है पृष्ठरज्जु नोटोकोर्ड पाई जा रही है वो कोर्डेट होते हैं। जैसे कि मनुष्य मनुष्य के अंदर पृष्ठरज्जु पाई जाती है तो उन्हें बोलते हैं कोर्डेट्स, और जिन प्राणियों में पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती है उन्हें बोलते हैं नॉन कोर्डेट्स। तो अब बात करेंगे इसके अंदर कुछ फाइलम है कुछ संघ है वो अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग उनके बारे में बताया गया। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले किसकी, वो है संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा का जो मुख्य लक्षण है वो क्या है, छिद्रित प्राणी। इसका जो मुख्य लक्षण है वो क्या है, अगर कोई एग्जामिनर आपसे पूछता है कि संघ पोरीफेरा का मुख्य लक्षण बताइए तो क्या कहेंगे, छिद्रित प्राणी। यानी कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनके शरीर में छिद्र होते हैं, इसलिए से क्या बोलते हैं पोरीफेरा। तो देखिए ये पोरीफेरा है, ये हमने साइफा का डायग्राम बनाया है यहाँ पर। देखिए साइफा जो किसी आधार, ये आधार है इसका, सबस्ट्रेटम है, इसके ऊपर ये हमारी क्या है ओस्टिया है। ओस्टिया क्या है, इनके बड़ है, ये छोटे छोटे जो सुराख बने हैं इसके अंदर, ये सब क्या है ओस्टिया है। और जो बड़े ऊपर ये तीन बने बड़े अलग अलग बनाए हैं, तीन बड़े बड़े छिद्र, एक ये है एक ये है एक ये है, ये क्या हमारा ओपरकुलम है। और ये जो ऊपर ये बनाए ये क्या है कंटिकाएं है, इसकी स्पाइकुल से कंटिकाएं। तो इसमें क्या होता है, जो सामान्य रूप से इस संघ के जो प्राणी होते हैं उन्हें सामान्य रूप से हम क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनके अंदर जल परिवहन और नाल तंत्र यानी कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, जल परिवहन और नाल तंत्र पाया जाता है इनके अंदर। इसके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा शरीर में इसके पानी प्रवेश करता है। किसके द्वारा, ओस्टिया के द्वारा। जो छोटे छिद्र होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। और जो बड़े छिद्र होते हैं जिन्हें ओपरकुलम बोलते हैं, इनके द्वारा जो शरीर में इसके क्या, जो शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी है उस एक्स्ट्रा पानी इन ओपरकुलम के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब इसके बात करते हैं इसके मुख्य लक्षण के बारे में, जो इसका सामान्य परिचय दिया मैंने आपको पोरीफेरा का। तो जो मुख्य लक्षण है वो क्या है कि ये इसके जो प्राणी होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं और जलीय जंतु होते हैं। संघ पोरीफेरा जो प्राणी होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं और जलीय जंतु होते हैं। और ये किसी साधारण रूप से भी कह सकते हैं वो किसी आधार से, किसी ठोस आधार से चिपके हुए पाए जाते हैं। समुद्र में किसी ठोस आधार पर, किसी पेड़ पर, किसी पत्थर पर चिपके हुए पाए जाते हैं। इनकी जो आकृति होती है वो अनियमित होती है, बेलनाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, शाखीय हो सकती है, इनकी जिस तरह शाखाएं होती हैं उस प्रकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है और बेलनाकार भी हो सकती है। उसके साथ साथ इनके जो शरीर है, इनके शरीर में उत्तक नहीं बनते। क्या नहीं बनते, टिश्यू नहीं बनते, इनके शरीर में उत्तक नहीं बनते। तो उत्तक क्या होता है, अब यहाँ हमने कहा कि इनके शरीर में उत्तक नहीं बनते। उत्तक क्या होते हैं, देखिए कोशिकाओं के में समूह जो रचना में उत्पत्ति में एक समान हो और मिलकर एक जैसे ही कार्य करें उन्हें क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। तो इनके शरीर में उत्तक नहीं बोलते, उत्तक से क्या बनते हैं, हमारे अंग बनते हैं, और अंग से ही फिर क्या बनता है, हमारे अंग तंत्र का निर्माण होता है। शरीर भित्ति में अनेक प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। जो शरीर भित्ति होती है, इसकी जो शरीर भित्ति होती है उसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। और ओस्टिया के माध्यम से ही जो जल है वो इसके शरीर में प्रवेश करता है। और इनके ऊपर एक बड़े बड़े एक छिद्र बड़े बड़े छिद्र होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, ओपरकुलम बोलते हैं। और ओपरकुलम के माध्यम से जो जल इसके शरीर के अंदर जा रहा है वो शरीर से बाहर भी निकालना आवश्यक है, तो वो ओपरकुलम के माध्यम से इनके शरीर से बाहर निकल जाता है। इनके शरीर में सबसे बड़ी गुहा होती है जिसे बोलते हैं क्या, स्पॉन्जोसील। यानी कि जो इनके अंदर एक सबसे बड़ी गुहा होती है उसे क्या बोलते हैं, हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो इन कुछ गुहाओं में कशाविका कोशिका पाई जाती है। इनके शरीर में जो कोशिका होती है, गुहा होती है, उस गुहा में क्या होता है, कशाविका कोशिका पाई जाती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स। जो गुहा में जो कशाविका कोशिका पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स बोलते हैं। इनका जो शरीर, इनकी जो शरीर भित्ति है उसमें दो स्तर पाए जाते हैं। जो शरीर भित्ति होते हैं कौन कौन से दो स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म व एंडोडर्म। क्या पाए जाते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनका जो शरीर होता है वो द्विकोरिक संगठन वाला होता है। इनमें दो स्तर पाए जाएंगे कौन कौन से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनमें एलिंगी जो जनन होता है वो होता है मुकुलन द्वारा, क्योंकि इनमें ये मुकुल पाई जाती है, ये मुकुल बड़ में लिखा बड़ यानी कि कली का ये मुकुल बोलते हैं इसे। तो इनमें जो एलिंगी जनन होता है जो वो किसके द्वारा होता है, वो होता है मुकुल द्वारा। उसके बाद ये प्राणी उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब नर और मादा एक ही शरीर, एक नर और मादा जनन अंग जो है एक ही प्राणी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कैसे प्राणी होते हैं, उभयलिंगी प्राणी होते हैं। सो इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है, यानी कि शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है तो इसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। तो इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है और विकास के समय एक लार्वा बनता है। क्या बनता है, विकास के समय एक लार्वा बनता है जो वयस्क से पूर्ण रूप से भिन्न होता है। तो ये मैंने कुछ इसके लक्षण बताए संघ पोरीफेरा के। उसके बाद आगे और भी इसमें अलग अलग संघ दिए हुए हैं उस, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो है आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।